एक बार की बात है, पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच फंसे एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक युवा लड़का रहता था। वो एक दयालु बच्चा था। आर्यन के पास एक बहुत ही सुंदर और सफेद रंग की बकरी थी। उसकी बकरी का नाम रूमी था। रूमी बहुत ही मित्रतापूर्ण बकरी थी। उसे लोगों के बीच रहने, उनके साथ खेलना, उनसे प्यार करना बहुत पसंद था। रूमी और आर्यन के बीच एक बहुत ही गहरा संबंध था। आर्यन को रूमी बेहद प्यारी थी। कुछ ही दिनों के बाद गांव में बकरीद आने वाली थी। आर्यन उस त्योहार के लिए बहुत ही उत्सुक था। आर्यन ईद के एक रात पहले बाकी गांव वाले बच्चों के साथ बातें कर रहा था। दोस्तों, कल तो ईद है, कल तो बहुत मजा आएगा। हाँ आर्यन, कल तो ढेर सारी ईदी मिलेगी। मैं तो उस ईदी से ढेर सारे खिलौने लूंगा। हाँ, मैं भी कल रूमी को बहुत अच्छे से सजाऊंगा। अरे तुम सबको पता है, मैंने एक भूत की अफवाह सुनी थी। अच्छा, क्या सुना था तुमने? ईद की आखिरी रात को एक बकरी चुराने वाला भूत आता है और बकरी को अपने साथ लेके भाग जाता है। क्या ऐसा भी कुछ होता है? अगर वो भूत हमारी बकरियों को ले जाएगा तो हम ईद कैसे मनाएंगे? अगर उस भूत ने मेरी रूमी चुरा ली तो मेरा क्या होगा? हाय मेरा बच्चा, क्या हुआ तुझे? क्यों अपना मुंह लाल पीला कर रखा है? अम्मा, मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि ईद के एक रात पहले एक भूत हमारे गांव में आता है और गांव के घरों में से एक बकरी चुरा के ले जाता है। अगर वो भूत हमारी रूमी को ले गया तो? अरे बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता। भूत वूत कुछ नहीं होता है, सब दिमाग का वहम है। नहीं अब्बू, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे आर्यन बेटा, तुम चिंता क्यों करते हो? ये सब अफवाहें हैं। अगर भूत आ गया तो रूमी को ले जाएगा। मैं पूरी रात बाड़े की तरफ नजर रखूंगा ताकि भूत आए तो मुझे पता लग जाए। आर्यन के अम्मी अब्बू उसे थोड़ा सा दिलासा देकर सुला देते हैं, लेकिन आर्यन आधी रात को डर की वजह से जाग जाता है। आर्यन पूरी रात इसी सोच में जगा रहता है कि वो अपनी रूमी को भूत से कैसे बचाए। आधी रात को चांद की वजह से थोड़ी रोशनी हो रखी थी। तभी आर्यन घर से निकलकर बाड़े की तरफ पहुंच जाता है और रूमी के पास जाकर बैठ जाता है। उस वक्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। आर्यन की भी आंखें भारी होने लगती है। थोड़ी ही देर बाद आर्यन की आंख लग जाती है और वो सो जाता है। तभी बाड़ी के आगे एक तेज हवा का झोंका आता है। हवा में पत्तों की सरसराहट को छोड़कर रात शांत थी। आर्यन अचानक से अपनी आंखें खोलता है। अरे ये क्या हुआ, मेरी आंख कैसे लग गई? और ये हवा इतनी तेज क्यों चल रही है? आर्यन के सामने अचानक से एक छाया के आने का प्रभास होता है। ये सामने क्या चीज है? तभी वो छाया एक भूत में प्रकट हो जाती है। वो भूत बहुत ही डरावना था। उसका बहुत ही डरावना चेहरा था। उसका चेहरा एक बकरी से मिलता था। उसके सर पर बड़े बड़े और पैने सींग थे। भूत रूमी को लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी नजर आर्यन पर जाती है। जैसे ही भूत की नजर आर्यन पर जाती है, उसकी आंखें लालटेन की तरह चमकने लगती हैं। आर्यन भूत को देखकर बहुत डर जाता है, लेकिन जब वो भूत को रूमी के पास आते हुए देखता है तो उसके अंदर हिम्मत आती है और वो भूत को रोकने लगता है। तुम मेरी बकरी को चुरा के नहीं ले जा सकते, ये मेरी बकरी है। भूत जैसे ही आर्यन की बात सुनता है, वो उसके पास आता है और उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। उस भूत की आवाज चारों ओर गूंजती है। आर्यन डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी भूत रूमी को लेकर गायब हो जाता है। अरे वो भूत मेरी रूमी को लेकर चला गया, अब मैं क्या करूं? मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपनी रूमी को ढूंढने जाऊंगा। वो भूत यकीनन जंगलों में रहता होगा। आर्यन उस भूत को ढूंढने जंगलों की तरफ निकल पड़ता है। आर्यन अपने बहादुर दिल के साथ जंगल में गहराई तक चला गया जहां भूत के निवास की अफवाह थी। जंगल में गहराई तक जब वो गया तो पेड़ भयानक रहस्यमय तरीके से फुसफुसा रहे थे और हवा एक ठंडी धुन लेकर आ रही थी। ये जंगल तो धीरे धीरे और घना होता जा रहा है, कहीं मैं गलत रास्ते तो नहीं आ गया? घंटों की खोजबीन के बाद आर्यन को एक छिपी हुई गुफा मिली जो कि
खोज के बाद और उसमें रूमी की आवाज भी आने लगी थी। चलो शुक्र है कि मुझे ये गुफा मिल तो गई। अंदर से तो मेरी रूमी की भी आवाजें आ रही हैं। मुझे अंदर जाके देखना चाहिए। वो सावधानी से अंदर दाखिल हुआ। उसका दिल भय से तेज तेज धड़क रहा था। अंदर उसने देखा कि भूत रूमी को गोद में लिए हुए उदास बैठा है। भूत प्यार से रूमी की पीठ सहला रहा था। कांपती आवाज में आर्यन बोला, तुमने हमारी बकरी क्यों चुराई? ये मेरे परिवार के लिए बहुत मायने रखता है, खासकर बकरीद के इस खास दिन पर। मुझे मेरी रूमी वापस कर दो, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। रूमी जितनी प्यारी तुम्हें है, वो मुझे भी उतनी ही प्यारी है। ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम तो भूत हो ना, तुम्हें तो बुरा होना चाहिए। फिर तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम मेरी कहानी सुनोगे? हाँ। मैं मरने से पहले एक बकरा हुआ करता था। मेरे मालिक का नाम खान था। खान मुझे बहुत प्यार से रखता था, मेरी बहुत देखभाल भी करता था। वो मुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाता था, मुझे घुमाने ले जाता था। खान मुझे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखता था। फिर मैं बड़ा हो गया था और हट्टा कट्टा भी। कुछ ही दिनों बाद ईद थी। ईद की रस्म में खान ने मुझे बलि के लिए भेज दिया था। मुझे खान की जुदाई सहन नहीं हो पाई। उस दिन मैं बहुत रोया और मैंने खान को भी रोते हुए देखा। मेरी बलि होने के बाद मैं एक भूत में बदल गया। भूत बनने के बाद मैंने बहुत से खान जैसे मालिकों को उनके बकरे से जुदा होते हुए देखा। इसीलिए मैं हर साल ईद के दिन इस गांव से एक बकरी छुड़ा के यहाँ ले आता हूँ। फिर तुम उन सब बकरियों का क्या करते हो? तुम इन सब बकरियों से बहुत प्यार करते हो ना? हाँ, मैं इन सब का बहुत ख्याल रखता हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे खान मेरा रखा करता था। आर्यन ये सब देखकर भावुक हो जाता है। आर्यन ने ध्यान से सुना। उसका डर सहानुभूति में बदल गया। उसे एहसास हुआ कि भूत ने अपने दुख, अपनी खान के कारण, अपने संबंधी की लालसा के कारण ऐसा किया है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रूमी को भी वैसे ही रखूंगा। उसे किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं होगी, वादा करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। तुम मुझे मेरी रूमी वापस कर दो, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। खान भी मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन हुआ क्या, उसने मुझे बलि के लिए भेज दिया। तुम अपनी रूमी को बलि के लिए भेज सकते हो? नहीं नहीं, मैं रूमी को बलि के लिए नहीं भेज सकता। रूमी मेरे साथ खुश रहेगी और सुरक्षित भी। नहीं, मैं रूमी को बलि के लिए नहीं भेजूंगा। हमारी बकरी चुराने से आपको वो शांति नहीं मिलेगी जो आप चाहते हैं। इसके बजाय आइए हम एक दूसरे की मदद करें, हमारी बकरी लौटा दें। मैं तुम्हें अपने साथ गांव लेके चलूंगा और तुम्हें सम्मान दिलाऊंगा। आर्यन भूत को अपने साथ गांव ले जाता है। आर्यन अपनी रूमी, भूत और बाकी सारी बकरियों के साथ गांव पहुंच जाता है। सारे गांव वाले आर्यन को भूत के साथ देखकर चौंक जाते हैं। सुनो गांव वालों, मैं यहां आप सबको कुछ बताने आया हूं। आप सबको इस भूत से डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये भूत भी पहले हमारे बकरों की तरह हुआ करता था। बलि के बाद ये अपने मालिक की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसीलिए ये एक भूत बन गया। आर्यन की बात सुनकर सारे गांव वाले भावुक हो जाते हैं और भूत को बिरयानी खिलाने लगे। भूत गांव वालों का प्यार देखकर बहुत खुश हुआ और उसे शांति मिल गई। मैं आप सब गांव वालों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इतना कहकर भूत वहाँ से गायब हो जाता है।